रंका अनुमंडल में 1 जनवरी 2022 रंका के लिए शोकाकुल रहा। रंका अनुमंडल से आकाशदीप का रिपोर्ट। कढ़वा रंका अनुमंडल मुख्यालय वासियों के लिए नया वर्ष का पहला दिन काफ़ी कष्ट एवं दुख से भरा हुआ रहा। रंका तथा आसपास के क्षेत्रों में 3 लोगों की मौत 1 जनवरी के हो गई। रंका के जीप चालक थाना मोड़ निवासी राजू कुमार गुप्ता को ठंड लगने से मृत्यु हो गई। वहीं पर रंका के गढ़ के फाटक निवासी सुशील कुमार पांडे का निधन अचानक मामूली से बुखार आने के बाद हो गया, जबकि चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं रहने के कारण पाले ग्राम के शनिचर नायक नामक युवक की मौत भी गत रात्रि हो गई। परिजनों ने बताया कि जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा तो वहां पर कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं रहने से वापस घर लौटना पड़ा और अहले सुबह उसकी निधन हो गई। पुत्र के शोक में पिता की भी हुई मृत्यु। रंका प्रखंड के पाले गांव निवासी शनिचर नायक का असमय हुआ निधन, जिससे परिवार में काफ़ी शोकाकुल का माहौल है। इस संबंध में मृतक के भाई ने बताया कि शनिचर नायक के लड़के 3 दिन से काफ़ी तबीयत बिगड़ी हुई है। इसके इलाज को लेकर रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां पर इलाज कर उसे वापस घर भेजा गया है, जहां पर उसकी तबीयत बिगड़ी हुई है। उसके भाई ने बताया कि ठंड के काफ़ी प्रकोप से शनिचर नायक की मौत हो गई। यह खबर सुंदाक पंचायत मुखिया श्रीमती मालती देवी के द्वारा परिजनों के घर पहुंचकर सहयोग दिया गया। 1000 रुपये और 50 किलो चावल सुनकर आस पड़ोस के लोग घर पहुंचकर लोगों के द्वारा मृतक के परिवार को ढांढस दिलाया जा रहा था। धन्यवाद।